ऐसे गुलशन तो बहारों में मिला करते हैं। क्या बात, वाह, है ना, मजा आ गया। अगर तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं तो मेरे 5,525 रुपए दे, मैं चल रहा भाई। गुड इवनिंग गाइस, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज शाम के टाइम निकल रहे हैं हम कैंपिंग के लिए, साथ में आज ओला आ गया फिर से। हेलो गाइस, और चंदू भाई, हाँ इसमें कुछ स्पेशल है, अभी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल तो यार ऐसा है कि मौसम एकदम बढ़िया है, देखो एकदम क्लियर स्काई। आप में से कोई गैस करेगा ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे बने हैं छोटे छोटे, जो धान की पराली होते ना उसके बने होते हैं सूखने के लिए। और यहाँ से जाएंगे हम कहाँ को, यहाँ को, हाँ पगड़ी दिख रही है सामने, देखना अभी बोला हमला करेगा, दो मिनट में ले आएगा, जा जल्दी ले भाई। देखो ककड़ियाँ बहुत सारी हैं यार, फैक्ट्री लगी है। बोला ले चला एक, अपना ही घर है, अपना ही घर है, ये डायलॉग तुम्हारे लग गया। आप यहीं से पानी लेके जाएंगे हम लोग, है पानी आ रहा है, कौन जाएगा लेकिन वो नीचे, इसके लिए तो सीढ़ी चाहिए, उल्टा लटकाना पड़ेगा। जैसे बरसात खत्म होने को आती है ना, पहाड़ों पे सबसे बड़ी दिक्कत रहती है पानी की। भाई हमारे वहाँ ना लगभग 3 या 4 महीने हो गए पानी नहीं है भाई, घर में नहीं आता पानी, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की। तो सब ठीक है, आराम से भाई, पकड़ के रखना इसको यार, कहीं गिर ना टंकी में, जरा सा भी खिसका था भाई, सच में जाएगा। चलो हो गया ना, अभी थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते। पहुँच गए हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे। आज हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा ही है, हाँ बहुत भारी है। चलो टेंट पिच कर लेते हैं, और आज भोला बोल रहा है कि यार टेंट मैं पिच करूँगा, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगाते हैं तुम लोग, मैं जादू दिखाऊंगा आज कुछ अलग। दिखाते जादू क्या चेंज कर, दिखाते भाई कौन सा जादू है। बोला 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 गायब, अरे भाई मैं अंदर हूँ। ओ क्या जादू है भाई साहब, गाइस क्या बोलते हो, इसको बार बार आया जाए कैंपिंग में, ऐसा ही चाहिए यार जादू। आ गया यार, टेंट तो पिच हो चुका हमारा, और अपने पास आज नई चीज़ आई है, नाइट कैट का एक हैमोक है, इसको हम लगाते हैं, इसको यूज करेंगे आज भाई, आज हम मजे लेंगे इसकी काफ़ी। देखो इसके साथ कुछ रूप हैं, दो रूप होंगे, और ये हैमोक रहा। इसमें सबसे बढ़िया क्या है ना कि इसको हम बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से इसमें एक रेन शीट टाइप की है, ये देखो, इसके साथ पैक्स भी आते हैं, और पैक्स भी आते हैं, और साथ में ये इसके पोल भी हैं, और देखो ये वाटरप्रूफ है पूरा। इसको हम लगाएंगे दो पेड़ों के बीच में, एक पेड़ ये रहा अपना, और एक यहाँ पर, लगभग इन दो पेड़ों के बीच की दूरी लगभग 3 मीटर कम से कम होनी चाहिए, तब जाके ये लग पाएगा। वाओ गोल्डन, गोल्डन है ना, मज़ा आ गया यार, छोटा पड़ गया, हम लूज कर सकते हैं इसको, ऑप्शन है इसमें लूज कर लेंगे। बोला इसमें डाल दिया, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा हाइट हो गई इसकी, इसको नीचे करना पड़ेगा वरना। हाँ यहाँ से चल जाएगा, हाँ हो जाएगा जाने के लिए। तो यार हमें हैमॉक सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया, और अंधेरा हो गया, तो अंधेरा हो चुका है साथ में, अभी देखो यहाँ पे उजाला कर देते हैं हमने। इसमें ना जो फ्लाई सीट है, रेन कवर है, वो नहीं लगा रखा है, क्योंकि काम है नहीं इसे आज उसका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, ट्राई करें कैसा लग रहा है। ठीक है भाई आराम से, ठीक है अभी कैसा लग रहा है चंदू भाई, बोल के नहीं गा के बताता हूँ। हाँ।
ऐसे गुल संत बहारों में मिला करते हैं। क्या बात भाई साहब, मस्त है ना। हाँ बढ़िया है। और आज हम क्या करने वाले हैं ना, जो रात को इसमें सोने के लिए ना एक टास्क करेंगे अभी जो, इसके ऊपर ना हमने वो भी नहीं चढ़ाया है ना, जो रेन सीट है ना, फ्लाई सीट, उसके लिए थोड़ा ठंडा हो सकता, रात में यूज कर सकते उसको। तो जो इसमें सोने के लिए क्या करेंगे बताए, एक टास्क करने वाले आज हम, जो जीतेगा वो इसमें रात में सोने वाला है। चलो सो जा भाई तू, फिलहाल के लिए सोने दो यार। हमारी तरह आप भी अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो इस हैमक को आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा इसका, बेस्ट बाय लिंक रहेगा, तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं और ऐसा ही एक्सपीरियंस आप भी ले सकते हैं। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। चलो रात हो चुकी है, अब पहले जलाएंगे हम आग। उसके लिए हम लकड़ियां लेके आ चुके हैं, यहाँ पर ठीक रहेगा ना, यहाँ पर बनाते चूल्हा। और मस्त भाई आज मस्त से कैंपिंग चलेगी अपनी, और कुकिंग भी इसमें चलेगा। हाँ कुछ भी हो जाए आग बुझनी चाहिए। ना 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 बोला, आग जल चुकी है और अब टाइम थोड़ा, यार आज चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है मुझे तो। वैसे तो टाइम है नहीं कि चाय पिए हम, लेकिन जब चाय पीने का मन करे तुरंत पी लेना चाहिए भाई। कोई मैजिक है, जादू है चाय जल्दी बन जाए जो। वही वही मुझे एक ही जादू आता था, टेंट लगाना, वो मैं कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, अभी नहीं कर पाएगा। सबको रिलैक्स फील करवाएंगे आज। क्या नहीं लगा है बोला? हाँ ये भी लगा है ना। अरे वाह चाय उबल गई भाई। चलो चाय पी लेते पहले, फिर होती है काम की बातें, या फिर काम फिर करेंगे जो भी है, खाना वाना फिर बनाएंगे। आज आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा कप है भोला के लिए, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ ना। लेकिन जादू बहुत खतरनाक करता है, बढ़िया यार। जो मतलब यार अचानक से अंदर घुसा जो वो अलग था, बच्चों को तो मज़ा आएगा सर। चलो भाई चाय पी लेते हैं। कैसी बनी चाय बताना एक बारी, भोला बताएगा। क्या हो गया? अच्छा लगा मुझे, बताया बोला को ज़्यादा मीठा पसंद होगा ना, तो मीठी चाय बनाई मैंने आज थोड़ी। वाह है ना, मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है तो। तो बोला को जितने दिन भी हम कैंपिंग में लाए ना, कभी मज़ा कभी उदास नहीं किया। हमेशा खुश रहा, मज़ा ही आ गया। मज़ा ही आता है इसको भाई, वही चाहिए भाई। हमारे कैंपिंग में जो भी आए बस मज़े ले, बस एंजॉय करे कैंपिंग को। मेरे तो अभी तक चाय ख़त्म नहीं हुई यार, इन लोगों ने चाय पी के, चंदू भाई ने तो गिरा भी नहीं चाय थोड़ी ना, गलती से गिर गया यार। आग को वेस्ट नहीं जान देते हैं, ये कम कर लेते हैं, आलू बॉयल कर लेते हैं। हाँ हमें आज जो बनाना है उसके लिए आलू चाहिए, तो आलू बॉयल कर लेते हैं। पानी चंदू बोला इसी पानी में, आलू पूरे एक किलो है आज। हाँ पराठे भी दो किलो बनाएंगे, तो आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं, तो उसके लिए आलू चाहिए अपने को, बॉईल कर लेते हैं इनको। भाई इसमें तो फिट नहीं आ रहे हैं ये। हो गया आज हम एक चीज़ और लेके आए हैं, चेस बोर्ड। काफ़ी टाइम बाद आज फुर्सत मिला है हमें कि चेस खेलें, तो आज लेके आए, वरना भाई टाइम ही नहीं लगता यार ऐसे। अच्छा हाँ इसमें क्या है ना, आज हम चेस खेलेंगे, जो विनर रहेगा वो हैमॉक में सोएगा भाई, ठीक है, उसकी फुल खातिरदारी होगी आज। खाना उसको ही मिलेगा, खाना भी वही मिलेगा। हाँ पका के मैं दूंगा, मतलब तू हार मान ली पहले। आराम से बैठ बोल, गिर भी जाएगा तू कहीं। बोला
भाई आलू अच्छे से पक जाए, आग मतलब ध्यान रखना, ठीक है? हम तब तक थोड़ा चेस खेल लेते हैं। मार से खेलना पड़ेगा। तो आलू बॉईल हो चुके हैं और हमने चेस भी खेल लिया है। अभी टाइम हो चुका है कि हम बनाएं अब पराठे। भाई उसके लिए आटा डाल लेते हैं बर्तन में। आज भोला बोल रहा कि आटा मैं लगाऊंगा। हाँ भोला ने बोला, मैंने बोला कि मैं लगा लेता हूँ। भोला बोल रहा, भोला बोला मैं घर में रोज आटा लगाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, मुझे भी आता। मैंने कहा लगा ले। हाँ चलो भोला आप देखते हैं। हम भोला को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, मतलब भोला बोल रहा कि आज मैं बना लेता हूँ थोड़ा खाना ना। चंदू भाई तो बिल्कुल हैमॉक में लेट के मस्त मज़े लिए जा रहे हैं भाई। चलो आज कभी कभी भोला को भी जानना चाहिए ना मौका। आग को जलाए रखने पड़ेगा, वरना एक बार बुझ गया ना ये फिर बहुत मुश्किल रहेगा जलाना। भोला कैसा रह रहा है? मज़ा ही आ रहा है हर जगह, इसको मज़ा ही आता है। काम भी करेगा तो फिर भी मज़ा आएगा। हाँ तब तक ये काम कर लेता हूँ ना मैं। आलू छील लेता हूँ। आलू देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं यार, मॉन्स्टर। 400 ग्राम का एक। 400 ग्राम का एक ही। बढ़िया बॉयल हुए आलू। ये रहे आलू भाई, इतने सारे आलू आज। और अभी से ये हरी मिर्च इसमें डालने के लिए, जो स्टफिंग बनेगा पराठे के लिए। ओ भाई मिर्च काट लेते हैं कौन सी साइड से दिख रहा है भाई। अच्छा हमें और चीज़ भी बनाना है, अभी रायता बनाना है ना अभी। घर वाला भाई, भाई रायता बनाएंगे आज हम पराठे के साथ। हम खाएंगे आज रायता। चंदू भाई का फेवरेट है ना रायता? बहुत। बोला हा? अच्छा लगता है रायता? हा? जब भी रायता होता है ना, चार रोटी एक्स्ट्रा। हाँ खा लेता हूँ। खा कुछ ज़्यादा स्पाइसी बन रहा है क्या आज? नेक्स्ट आलू को लिया, मैश किया, अच्छे पके ना? बढ़िया यार, बाबरी गर्म है भाई। अरे 1 किलो का आलू। चलो मसाले डाले इसमें। सबसे पहले आएगा भाई, बहुत कम है, फिल नहीं किया इसको, कम तो नहीं पड़ेगा ना? चलेगा। नमक खोल के, नमक सारा मत डाल देना फिर, रायता में भी चीज थोड़ा हो जाए। और इसमें है चंदू भाई के स्पेशल मसाले जो भाई ज़रूरी है पराठे में, बहुत जरूरी था ये मसाला। नहीं आलू बहुत है, हो जाएगा। हाँ। और ये वाले जो मसाले ना भाई, सीक्रेट मसाला। सीक्रेट बोले तो इसमें कितने प्रकार के थे बोले? पांच। ये कम बोल दिया 5 प्रकार के जो आप डालेंगे। ये बन गया स्टफिंग, मस्त भाई। बस ये बहुत ज़रूरी है भाई। बस लाओ आटा लाओ। कहाँ है भाई? बोला और चंदू भाई बनाएंगे पराठे, मैं तब तक तैयारी करता हूँ। और गन्ने की चीज ही जा रही है ये, ककड़ी की रायता बन रहा है ककड़ी का, ठीक है? बोला गर्म हो गया, उसके लिए पीली ककड़ी चाहिए भाई, फिर मज़ा आता है। थोड़ा खट्टा बन रहता है ना इसमें। चंदू भाई कैसे करूँ, हाथ लगा के
हाँ भाई, एक बात क्या हुआ बता दूँ? हाँ, तेजस भाई और मैं जिस दिन हम वहाँ गए थे मार के, वीडियो नहीं बनाई पहले से, हमने क्या मतलब बनाया था प्लान कि जा तू कपड़े वाले की दुकान में दौड़ लगा के जाना भाई, 1 किलो चिकन करवाना। अच्छा अच्छा याद आया। मजाक करके हमें पता है हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, बट उसे थोड़ा ना पता है। मैं दौड़ लगा के गया कपड़े की दुकान ठहरी, जाते ही बोला मैंने भाई जल्दी से 1 किलो मटन करना। भाई का रिएक्शन है, भाई मटन की दुकान दिख रही क्या तेरे को इधर, ए इधर आ इधर। भाई मैं भाग गया, फिर बाद में बोला भाई मजाक था यार। बोला तेल डाल दो, तेल ज़्यादा नहीं है ना। ओ भाई तेल थोड़ा, अबे सामने होता तो मेरा तो हो जाता काम। अगर तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं तो मेरे 5,525 रुपये दे, मैं चल रहा भाई। अरे ले जाओ, सही बनना पराठा। तो ये है दही, इसमें ही डायरेक्ट हम डालेंगे ककड़ी को। दोबारा दोबारा भाई साहब, इतना रायता कौन खाएगा? देखो रायता फुल आधा हो गया इसमें, अब इसमें मसाले डालेंगे ना। हाँ भाई, रायता मसाला ले आए ना तू? हाँ लाया। अच्छा इसमें सिगरेट है ना? सिगरेट या सीक्रेट? सीक्रेट भाई। क्या बाबा तू सिगरेट पीता? नहीं बाबू भैया, सीक्रेट जो बड़े किसी को बताई नहीं जाती। हाँ, बड़े लोगों के पास होती है। ये बाबा वो जो इतना बड़ा काला, आज हमारे सारे मसाले ख़त्म भी हो गए, नमक तक ख़त्म हो रहा है भाई। चलो इसको अब फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जो है ना एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो सारी तैयारी चालू है। इसके बाद आप एक वीडियो और देख पाएंगे जो कि भाई ऐसी लोकेशन पे कैंपिंग करने वाले हैं हम लोग ना, आपको देख के मज़ा आने वाला है भाई। इसके जस्ट बाद ही वो वीडियो आएगी। आलू ज़्यादा हो गया ना? फ्राई कर, चलो लगभग सारा रेडी है। बोला रेडी है ना? पराठे कितने हो गए? 6। भाई देखो बोला गिनता है, मैं कितना खाऊंगा ये उसको पता है। अभी कितने कितने खाएंगे सभी? 2 ये अभी 2 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। हाँ 8 हो रहे हैं बोला, तो क्या करें बता? 2 तेरे 2 मेरे। बोला पराठे अच्छे बन रहे हैं यार। एक्सपोर्ट है भाई। जादू किया कुछ? हाँ टेंट का जादू कर दिया, इसका भी कर दिया मैंने जादू, आज सब जादू करता हूँ। आखिरी पराठा बचा है, फिर खाते हैं। रायता बन गया? रायता मैं कब का बना चुका हूँ। वाह यार, एक चीज दिखाऊं? ला बोल। ओ अच्छा था, अच्छा था। देखा बोला मैं तो करूँ चौंक गए। कर ले तो ट्राई कर ले भाई, अभी थोड़ा भी खिसकता ना। भैया खोल दो भैया, वो ज़्यादा घूम गया ना। बोला अरे समझ गया, आप सीख जाओ ये बोला। हाँ तो गाइस खाना बन के तैयार है, अब खा लेते हैं, खाना एकदम रेडी है। बोला। और भोला के लिए एक सब्जी बन रही है स्पेशल आलू की। तो यार अभी ना पीछे देखो आप, सारा फॉग आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब कि मौसम खराब बदल चुका है और बारिश हो सकती है, तो जल्दी खा ही लेते हैं अब एक बार रायता। रायता खाते
खूब सारा रायता है आज भाई। इसके अलावा दही भी हमारे पास, और दही भी लेके आता हूँ मैं। रायता भाई इतना है कि यहाँ 10 लोग खा सकते हैं इसमें। तो बहुत दिन बाद ऐसे बैठ के खाएंगे हम लोग आज। आग जली हुई है, ला भाई खाना कैंसिल, खाना कैंसिल। ये रायता है गर्मा गर्म, ठंडी है रायता, ठंडी रखनी पड़ा। हाँ, पराठे गर्मा गर्म है, पराठे। और इसमें दही भी है, और देखो पराठे की साइज, देखो पराठे का कितना खतरनाक है। शुरू करते हैं खाना यार, 11 बज रहे हैं रात के, 12 ना, हाँ 12 बज रहे हैं। रायता अच्छा है, कैसा बोला? परफेक्ट। भाई आराम से, आराम से है ना, आराम से। चैलेंज तो ना चल रहा है जो इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है। तो खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, अभी सोने की तैयारी हो रही है अपनी, और टाइम कुछ ज़्यादा हो गया आज, फिर से 1 बज चुके हैं रात के, अब सो जाते हैं भाई। और हैमक में कौन सो रहा है? अभी सब थोड़ा सोच रहे हैं पहले कि यार कैसे सोए थे, क्योंकि ना ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी इसमें, फॉग देख, फॉग भी, यहाँ बारिश भी आ सकती है चांस फुल, तो शायद मुझे सोना पड़ेगा इसमें। रेन शीट लगा के ना ऊपर, रेन कवर लगा के सो सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत। हाँ बोला, नींद लगने लग गई क्यों? हाँ सो जाते हैं। तो गाइस हम दोनों तो टेंट के अंदर सो रहे हैं, और मैं सो रहा हूँ भाई हैमक में, ठीक है सो जाओ फिर, ठीक है ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे ये तो बंद कर लो टेंट वेंट, अंदर कुछ घुस जाएगा रात को। हाँ हाँ बंद कर। अंदर रख देते हैं, चलो गुड नाइट भाई लोगों, देखते हैं। ठंड तो खैर लगेगी नहीं, स्लीपिंग बैग है अपने पास, सोते हैं अभी, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, गुड नाइट। अरे वाह भाभी, सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 हो रहा टाइम, और इसमें क्या मस्त नींद आई यार। लगभग 1:30 बजे सो गए थे हम, और सीधे अभी जाके नींद खुल गई। वाह इसमें एक अलग ही मजा है भाई। चलो अरे भाई उठ जाओ, आज की वीडियो थोड़ी जल्दी एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ना आज ही जाके वीडियो आज ही पब्लिश करनी है, तो करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही एक बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।